हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास चंद्र है और यूट्यूब के चैनल आसान विज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट यहाँ पर कर चुके हैं और जैसे कि आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक देखना है तो इससे पहले वाले लेक्चर में जाएँ, ठीक है? नहीं तो फिलहाल तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें अपने को टेन ए की वैल्यू दे रखी है और अपने को साइन ए कॉस ए जो दिया है इनको फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला है कि यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि बी वाला एंगल कितना है, 90 है। ये जो बी एंगल है कितना है, 90 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो अपने को हिंट्स मिली है ना, यानी कि टेन ए इक्वल टू कितना दिया, 1/√3। अभी अपने को देखना पड़ेगा टेन का फॉर्मूला होता क्या है। टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 और बेस √3। तो ये वैल्यू इस ट्रायंगल में पुट कर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर कितना है, 1 और बेस √3। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि अपने को हाइपोटेनस नहीं मालूम है। अब इसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जब साइन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहाँ पुट करना पड़ेगा, साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो साइन ए जब निकालेंगे तो कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर चलो मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम ना। तो हाइपोटेनस को निकालना ही पड़ेगा और किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले मैं ये जो हाइपोटेनस है इसको निकालूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू कितनी, √3 उसका स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1, यानी कि ये हो गया 4। और ए सी इक्वल टू कितना हो गया, √4, यानी कि ए सी की वैल्यू कितना आ गई, 2, ठीक है? नहीं यानी कि जो ये हाइपोटेनस है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 तो निकल गया। अभी अपने को क्या निकालना, फर्स्ट फर्स्ट है हमारा फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है अपने से, वो है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है? नहीं तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन ए, इसको बोले अपने को साइन ए निकालना पड़ेगा, कॉस सी निकालना पड़ेगा, कॉस ए निकालना पड़ेगा और साइन सी। तो सबसे पहले इन वैल्यू को अपने को अलग से यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले। जब ये निकल जाएंगी उसके बाद ही क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पर, साइन ए, ठीक है? नहीं और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर ध्यान देना ये है कि आपको ट्राइंगल को ए की ओर से देखना है, ठीक है ना? ट्रायंगल को ए की ओर से देखोगे, ए इधर है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, 1 और हाइपोटेनस 2, ठीक है? नहीं तो साइन ए की वैल्यू तो निकल गई, कॉस सी भी निकालना है, कॉस ए भी निकालना है और साइन सी भी निकालना है। तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकल गई है कितनी, 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद कॉस सी, कॉस सी, ठीक है? नहीं तो अच्छा पहले एक काम करते हैं, साइन कॉस ए का निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं कॉस ए का निकाल, कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? अब ए की ओर से देखो, क्योंकि ए मैंने यहाँ पे ए लिखा है, तो बेस कितना है, √3 और अपॉन हाइपोटेनस 2, ठीक है? तो साइन ए निकल गया और कॉस ए निकल गया। अब साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी निकालते हैं यहाँ पर, साइन सी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देना, ट्रायंगल को सी की ओर से देखना है बस, ठीक है? नहीं सी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर इस बार और ये बेस, हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो परपेंडिकुलर कितना जाएगा, √3 और हाइपोटेनस कितना हो गया, 2, ठीक है? नहीं परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3 और हाइपोटेनस 2। उसके बाद साइन सी को निकालने के बाद निकालेंगे हम कॉस सी, सी की ओर से देखना है इस बार, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस।
बेस इस बार क्या है वन, ठीक है ना। सी की ओर से देखो ना, ये तो परपेंडिकुलर है और ये क्या हो गया बेस, यानी कि वन, और हाइपोटेनस तो फिक्स टू है ना। और ये सारी के सारी वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है, और जब ये वाला लिखेंगे तो यहाँ पर भी पुट करनी है। तो सबसे पहले साइन ए की, साइन ए के वन रखते हैं। साइन ए कितना है, वन बाई टू इंटू कॉस सी, कॉस सी ये रहा हमारा कॉस सी, वन बाई टू प्लस कॉस ए, कॉस ए रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू इंटू साइन सी, साइन सी रूट थ्री बाई टू, दोनों रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, वन इंटू वन वन, और टू टू या फोर, और अंडर थ्री इंटू अंडर थ्री थ्री, और अपॉन टू टू या फोर। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, फोर एलसीएम आएगा, यहाँ पर वन प्लस थ्री यानी कि फोर अपॉन फोर यानी कि वन। तो एक आंसर ये आ गया अपना पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पहले, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू वन बाई टू माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू वन बाई टू, साइन सी, साइन सी की वैल्यू अंडर रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख चुके हैं, पहले फाइंड कर लिया, अब पुट कर रहे हैं बस यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा, अगर आप ध्यान दोगे ना, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, कोई अंतर नहीं है, ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है ना। कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगी जीरो बस, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर नाइन भी हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन करेंगे। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। तो मैं इसको बिठा रहा हूँ, वन टू थ्री रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टेन को समझते हैं कि उसमें क्या पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा इससे हल्का सा अलग होगा, समझा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर टेन है, इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाना है अपने को, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाना है, और जिसमें क्यू वाला जो एंगल है वो है 90, ठीक है नी। तो जिसको इसने 90 बोल दिया है उसको 90 दिखाना ही है, उसने बोला क्यू क्या है 90 है, तो 90 मैंने पहले दिखा दिया, ठीक है नी। और पी क्यू आर, ठीक है नी, अब आपकी इच्छा है पी क्यू आर कहाँ से दिखाऊँ, ठीक है नी। पी क्यू आर चाहे यहाँ पी कर दो चाहे यहाँ कर दो, मैंने यहाँ कर दिया पी क्यू और आर, ठीक है नी। और उसके बाद इसने बोला है कि जो पी क्यू वाली जो साइड है, देख लो ट्रायंगल में कौन सा, पी क्यू वाली जो साइड है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू ये है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है नी। और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये जो साइड है इनका जो सम है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है नी। और वैल्यू फाइंड करनी है इस बार हमें साइन पी कॉस पी एंड टैन पी, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन पी कॉस पी और टैन पी, साइन पी कॉस पी टैन पी, ठीक है नी। और पी क्यू की वैल्यू अपने को दिया हुआ है, ठीक है नी। और इस बार पिछली बार पिछले क्वेश्चनों में कोई एक और साइड हमें दी हुई होती थी, इस बार दो साइडों का हमें क्या दिया, सम दिया हुआ। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर इन दोनों साइड में से किसी एक साइड को कुछ मान लेते हैं, या तो इसे मान लो या इसे मान लो, मैं इसे मान दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने एक्स मान दिया, ठीक है, यानी कि मैंने क्यू आर को क्या मान दिया, एक्स मान दिया, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर को क्या मान दिया, एक्स इक्वल टू 25। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू निकल जाएगी 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी पी आर की, कितनी आ गई 25 माइनस एक्स, ठीक हो गया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम किसी की भी, ठीक है नहीं, पर
कहने का मतलब, अगर मुझे एक्स की वैल्यू मालूम चल जाए तो ये भी मालूम हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू को लगाने निकालने के लिए फिर से मैं इसमें पाइथागोरस यूज़ करने वाला हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, ठीक है नहीं? तो फिर से वही हमारा, इस बार हाइपोटेनस क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितनी है, 25। ट्राइंगल्स देखो, 25 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है, एक्स उसका स्क्वायर है, और पी क्यू की वैल्यू 5 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिए। अब जैसे कि इसको देख रहे हो कि ए माइनस बी का इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए लिख दूँ फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है नहीं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और 25 का स्क्वायर 625 और माइनस ये कितना होगा 50x इक्वल टू 25। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बच गया, 50x इक्वल टू 25, ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का 625, तो माइनस 50x इक्वल टू माइनस कर दो 600 आएगा, पर बड़े वाले का साइन आएगा, जो बड़ा अंक होता है उसका जो आगे जो साइन लिखा हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू कितना अपॉन, ठीक है ना, अगर नहीं करोगे तो यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटो, 5 वन जब फाइन और 5 टू, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया 12, ठीक है नहीं। अगर ये चीज़ अगर 12 है तो ये कितना हो गया, 25 माइनस 6 कितना, ओ 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना गया 31, ठीक है, तो ये कितना आ गया 13, ठीक है नहीं। तो मतलब अपना बेस कितना है इसमें 12 और हाइपोटेनस 13, ठीक है नहीं। तो अब जो वैल्यू इसने पूछी है अब आराम से निकल जाएगी, क्योंकि अपने को अब तीनों साइड मालूम हो चुकी हैं। सबसे पहले उसने पूछा है साइन पी, साइन पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पर देखना किस ओर से, पी की ओर से, जिस तरह पी के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनस 13। उसके बाद निकालना है कॉस पी, कॉस पी की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला देखो सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है यहाँ पर पी की ओर से, बेस ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हो जाएगा 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्या निकालना है, टेन पी, टेन पी फॉर्मूला देखो साइड में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है, अच्छा परपेंडिकुलर पी की ओर से ये हो गया 12 और बेस कितना है इसमें 5, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी, ठीक है नहीं। 11 क्वेश्चन भी हम करेंगे, 11 क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हें टेबल बताऊंगा, ठीक है नहीं, टेबल बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल, ठीक है नहीं, उसको समझाएंगे, उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल ये है 10 क्वेश्चन, तो ये भी हो चुका है।